नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके या फिर आपके घर परिवार के पीछे लग गई है यह चुड़ैल। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि समय रहते हो जाए सावधान, वरना ये आपके घर को भी बर्बाद कर सकता है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले समय में अब इनका खेल खत्म होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली है। तो दोस्तों, आप इन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। या दोस्तों, मैं आप सभी को बता दें कि व्यक्ति जब अपने जीवन काल में आगे बढ़ने लगते हैं, लोगों से अलग करने लगते हैं, जब आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ने लगते हैं, तो दोस्तों लोग आपसे कहीं ना कहीं ज़रूर जलते हैं और इतनी हद तक जलते हैं, इतने हद तक आपको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं कि कह नहीं सकते। और दोस्तों, उसके बाद वो लोग जब कुछ कर नहीं पाते तो तांत्रिक विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, पिछले कई दिनों से आपने देखा है कि आपके कार्य बनते बनते बिगड़ रहे हैं। जिन कार्यों में आपको मन लगता था, उन कार्यों में भी आपको मन नहीं लगने लगा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं, साथ ही कैसे आप इनसे बच सकते हैं, इनको अपने जीवनकाल से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी माँ काली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ काली का जरूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि आप इसकी पहचान कैसे करेंगे कि आपके ऊपर कोई चुड़ैल लगी है या फिर कोई ऐसा तांत्रिक क्रियाएं किए हैं जिनके कारण आपका जीवन बिल्कुल ही ध्वस्त होने जा रहा है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब व्यक्ति के जीवन काल में ऐसी घटनाएं होती है, तो दोस्तों उनके जीवन काल में सबसे पहले सोचने की क्षमता चली जाती है। व्यक्ति अच्छा चीज सोच नहीं पाता, इसलिए वह सही कार्य नहीं करते हैं। जी दोस्तों, और उनका मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि अब हम कोई भी कार्य कर नहीं सकते, यह कार्य हमारे मस्तिष्क से बाहर है। क्यों दोस्तों, उनके जीवन काल में किसी और का ही साया है जो कि वह समय प्रभाव डालते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ऐसे समय में व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होने के साथ साथ कुछ ऐसे गलत कार्य भी कर देते हैं जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानकारक होते हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जब भी व्यक्ति के जीवन काल में ऐसे प्रभाव होते हैं, ऐसे बुरे साया होते हैं, तो दोस्तों कभी भी किसी के साथ रहना वह पसंद नहीं करते। हमेशा उन्हें नींद आने लगती है, खाने पर वह ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप सभी को जो घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े आदमी हैं, उन्हें यह बात समझना चाहिए कि उनके परिवार के पीछे किसी का साया तो ज़रूर है। तभी दोस्तों ऐसी घटनाएं हुई है, ऐसे क्रियाकलाप हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बड़े लोग भी क्या करेंगे, जब बड़े लोग कोई भी डॉक्टर को भी दिखाएंगे तो दोस्तों वहां की रिपोर्ट आती है कि आपके बच्चों के ऊपर या फिर आपके सदस्य के ऊपर तो कोई समस्या ही नहीं है, रिपोर्ट तो बिल्कुल ही अच्छे आने लगते हैं। तो दोस्तों, इनसे भी आपको चुप नहीं रहना है, आपको समझना है कि किसी का तो साया आपके घर परिवार पर है। तभी तो परिवार में इतनी किल्लत सी हो गई है। कहाँ हंसता खेलता परिवार, कहाँ खुशियों में झूमता परिवार इतना चुप सा हो गया है। किसी का आसपास में झगड़ा होने लगता है, मन बहुत ही ज़्यादा वश में परेशान होता है, जब साथ बैठने वाला व्यक्ति भी आपके साथ नहीं रहते। ये दोस्तों, तो ऐसे में आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपको भी वश में किसी ज्योतिषी या फिर ऐसे लोगों का सहारा लेना है जो कि तांत्रिक विद्याएं जानते हैं, जो कि तांत्रिक विद्याओं को वश में करते हैं। जी दोस्तों, ऐसे लोगों का आपको सहारा लेना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप अभी यश में कदम नहीं उठाएंगे तो यही चीज़ आगे चलकर आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, बहुत ज़्यादा नुकसानकारक हो सकती है। शायद हो सकता है कि दोस्तों तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाए। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन से लोग हैं जो कि आपके ऊपर ऐसी क्रियाएँ कर सकते हैं। आखिर आपने उनका क्या बिगाड़ा है जो आपके ऊपर ऐसे तांत्रिक विद्याएं करते हैं, भूत छोड़ देते हैं, यूँ कहें तो किसी का साया आपके पीछे लगा देते हैं। तो दोस्तों, यह बात आपको गौर करना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति आपके साथ है। जी दोस्तों, अक्सर व्यक्ति के पीछे वही लोग कुछ कार्य करते हैं जो कि उनके आसपास हैं, जो कि उनके संपर्क में हैं। तो दोस्तों, आखिर आपने जिन काल में
कौन किस किस लोगों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को याद करना है। जो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप पिछले समय में आपके पास कुछ भी नहीं था, तब भी लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा जलते थे, लेकिन दोस्तों आज के दौर में भगवान के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। जी दोस्तों, और इन्हीं सब चीज़ को देखकर लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा जलते हैं। जी दोस्तों, पिछले समय में जब आपके पास कुछ भी नहीं था तो दोस्तों लोग कितना आपसे जलते थे, कितना आपको नीचे गिराने का प्रयास करते थे, लेकिन दोस्तों आज तो आपके पास भगवान के आशीर्वाद से बहुत कुछ है। तो दोस्तों आज लोगों के खाने कैसे पचेंगे, दोस्तों इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि कौन से लोग आपसे इतना जलते हैं, कौन कौन से लोग हो सकते हैं जो कि आपसे जलते हैं। दोस्तों ये बात तो आप अभी भी जानते होंगे, तो दोस्तों ऐसे लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि दोस्तों ऐसे यही लोग हैं जो कि आपके ऊपर ऐसे साया छोड़े हैं, ऐसी बुरी आत्माएँ छोड़े हैं जो कि आपको धीरे धीरे बर्बाद कर रही है और आप सभी घटनाओं को भी देख रहे हैं। तो दोस्तों समय रहते आप इनसे कैसे संभलें, कौन कौन से उपाय करें, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि वह या व्यक्ति हमसे जलते हैं तो दोस्तों उनसे आप दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही व्यक्ति हैं, अगर आप उनके जीवन काल पर और समय रहेंगे तो दोस्तों आपकी सफलता उन्हें देखी नहीं जाएंगी और समय समय पर वह आपसे जलते रहेंगे। आज उसने ये किया है तो दोस्तों कल कुछ और भी कर सकते हैं, उनका अगला कदम और भी खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने बचाव के लिए अपने जीवन काल में इन सभी बातों का ध्यान देना होगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप इन लोगों से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को अपने जीवन काल में अपने इष्ट देव को याद करना है, जो भी ईश्वर को आप मानते हैं उन्हें याद करना है और जीवन काल में हुई सभी गलतियों को मानना है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हमसे यह गलती हुई है, आयंदा हमसे यह गलती नहीं होगी। सभी गलतियों को आपको ईश्वर के सामने मानने हैं और क्षमा प्रार्थना करना है। दोस्तों इसके उपरांत आपको ईश्वर से भी मांगना है कि अब हमारे जीवन काल से सभी परेशानियां दूर कर दें, हम अपने जीवन काल में जो भी चाहते हैं वह हमें दिला दें, बशर्ते हम अब आपके ही रास्ते पर चलेंगे। दोस्तों ऐसी प्रार्थना आप सुबह शाम अपने जीवन काल पे करें। और साथ दोस्तों आपको बता दें कि दुश्मन के कारक हनुमान जी माने जाते हैं, तो दोस्तों हनुमान जी के भी मंदिर में आप पूजा पाठ समय समय पर करें, हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाएं, लाल सिंदूर भी अर्पित करें, समय समय पर हनुमान जी के चरणों में जाकर आप चरण स्पर्श करें। जी दोस्तों आपको बता दें कि इनसे आपके जीवन काल में दुश्मनों का सम्मान होगा और संकट से आपको बचाएंगे संकट मोचन हनुमान। जी दोस्तों इसके उपरांत दोस्तों मैं आपको बता दें कि अगर आपके घर में आपके परिवार में किसी के ऊपर बुरी नजर ज़्यादा हो गई है तो दोस्तों उनके हाथ में काले धागे जरूर बांध दें, क्योंकि दोस्तों काला धागा बुरी नज़र वालों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। तो दोस्तों काला धागा उसके हाथ में मंगलवार या फिर शनिवार के दिन बांध सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय होंगे। इसके उपरांत दोस्तों अगर आप दुश्मन से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आइंदा आपके जीवन काल में ऐसे शत्रु आए ही नहीं, ऐसे शत्रु पैदा ही ना हो, तो दोस्तों आपको भगवान शनिदेव के चरणों में जाना होगा, भगवान शनिदेव को पूजा पाठ करना होगा, भगवान शनिदेव को आपको तेल चढ़ाने होंगे। जी दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें कि भगवान शनिदेव का वाहन काले कुत्ते को आपको दोस्तों रोटी खिलाना होगा, इनसे दोस्तों बहुत ही जल्द आपके दुश्मनों का सर्वनाश होगा और आपके जीवन काल में होने वाले सभी दुश्मनों से आप मुक्ति पाएंगे। तो दोस्तों आप अपने जीवन काल में इन सभी बातों का ध्यान रखें। दोस्तों ये सभी बात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। और साथ साथ दोस्तों हम आपको एक ऐसा सजेशन भी दे दें कि दोस्तों अपने जीवन काल में आप कितना भी धन अर्जित करें, कितने भी आप सुखों को प्राप्त कर लें, लेकिन दोस्तों कभी भी अपनों के सामने उन्हें जाहिर ना करें, क्योंकि दोस्तों यही लोग होते हैं जो आपके साथ तो अच्छे रहते हैं लेकिन दोस्तों पीछे पीछे चलते चलते समय बीतते बीतते धीरे धीरे आपसे यह दुश्मनी मोल लेने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखें, ज़्यादा अपने कार्यों का बखान न करें, जो कार्य आप कर रहे हैं दोस्तों उन कार्यों को करते रहें, आने वाले कार्यों की सूचना किसी और व्यक्ति को बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि दोस्तों ऐसे कार्य हैं जो कार्य करने से पहले आपके कार्य बिगड़ जाते हैं, कार्य में बाधाएं आ जाती है। तो दोस्तों आज से आपको अपने जीवन काल में अपने भोलेपन को छोड़ना होगा, क्योंकि दोस्तों आपकी राशि के बहुत से जातक हैं अपने भोलेपन की वजह से ही दुश्मनों का शिकार हो जाते हैं और दुश्मन जलते जलते आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं, भूत भी छोड़ने लगते हैं।
तो दोस्तों कभी भी अपने कार्य को उतना बखान ना करें जितना आप करते हैं। जो दोस्तों आज से अपने जुनकाल में आप इन सभी बातों का ध्यान रखें दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगे और दोस्तों इनसे आप अपने जुनकाल में सभी दुश्मनों से बच पाएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और शायद दोस्तों और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।